नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रेल मंत्री ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू की है खास योजना, 50,000 लोगों को होगा इसका फायदा। पंजाब नेशनल बैंक ने भी सस्ता किया लोन, रेपो रेट आधारित लोन पर ब्याज 0.25% किया कम। आईफोन 13 का भारत में इंतजार अब खत्म, प्री ऑर्डर 17 सितंबर से हो गए शुरू। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने दी पेट्रोल डीजल पर राहत, कई चीजों पर टैक्स घटाया। प्रियंका गांधी बोली, यूपी में मूसलाधार बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसानों को मुआवजा दे यूपी सरकार। भारत में एक दिन में 2,22,00,000 से अधिक लगी वैक्सीन, पीएम मोदी के जन्मदिन पर रचा गया इतिहास। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि अगर बीजेपी जनता के लिए काम करती तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती। न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मैच से ठीक पहले रद्द किया पाकिस्तान का दौरा। सोना 9,921 रुपए सस्ता, आज अपने ऑल टाइम हाई रेट से, चांदी भी 14,945 रुपए किलो सस्ती। किसानों के खाते में 4,000 रुपए आ सकती है अगली किस्त, मोदी सरकार दुगनी कर सकती है रकम। महाराष्ट्र में भविष्य के साथी, क्या फिर से एक साथ आएंगे भाजपा और शिवसेना, मुख्यमंत्री उद्धव के बयान से अटकलें हुई तेज। अब चीन के बाद रूस का तालिबान को सपोर्ट, पुतिन ने कही बड़ी बात। अखिलेश यादव बोले, सत्ता में आए तो बनाएंगे शिल्पकार विकास विश्वकर्मा बोर्ड, विश्वकर्मा जयंती पर होगा अवकाश। पीएम नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर कांग्रेस ने मनाया बेरोजगारी दिवस, भेलपुरी कचौड़ी बेच जताया विरोध। अब उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुल जाएंगे प्राथमिक विद्यालय, कोरोना काल में पहली बार खुलने जा रहे हैं 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल। अब एटीएम से निकलेंगी दवाइयां, हर ब्लॉक में लगाई जाएंगी मशीन, सरकार ने तैयार किया है पूरा प्लान। केरल में नहीं सुधर रहे हालात, राज्यों में बढ़े केस तो देश में 34,000 के पार पहुंचा नए मामलों का आंकड़ा। पढ़ाई भी और कमाई भी के मंत्र के साथ होगा कौशल विकास, 5,000 शिक्षण संस्थानों में इसी सत्र में शुरू हो जाएगा पायलट प्रोजेक्ट। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी तय करने के लिए बनाई है स्क्रीनिंग कमेटी। त्योहारों में लोग कोविड अनुकूल व्यवहार न भूलें, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों की चेतावनी। हिरासत में लिए गए सुखबीर बादल सहित कई अकाली नेता, बाद में दिल्ली पुलिस ने छोड़ा। देश में कोविड 19 के 34,403 नए मामले, जबकि एक्टिव केस 3,39,056। राघव चड्ढा का सिद्धू के खिलाफ बड़ा बयान, नवजोत को कहा पंजाब राजनीति के राखी सावंत। और दोस्तों, अब खबरें विस्तार से, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की, पंजाब नेशनल बैंक ने भी सस्ता किया लोन, रेपो रेट आधारित लोन पर अब ब्याज सिर्फ 0.25% किया कम। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि देश के दिग्गज पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने भी एसबीआई के बाद ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है। पीएनबी ने रेपो रेट आधारित लोन पर ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर दी है और आपको बता दें कि नई दरें 17 सितंबर 2021 से लागू भी हो गई हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने दी पेट्रोल डीजल पर राहत, कई चीजों पर टैक्स घटाया। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हुई। मीटिंग के बाद बड़े ऐलान किए गए, वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल पर राहत देते हुए उसे जीएसटी में शामिल नहीं करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने का अभी सही समय नहीं है। इसके अलावा सीतारमन ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों की 2 लाइफ सेविंग दवाओं पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। भारत में एक दिन में 2,22,00,000 से अधिक लगी वैक्सीन, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रचा गया इतिहास। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इतिहास रच दिया है। भारत ने एक दिन में तेजी के साथ 2,00,00,000 वैक्सीन लगाने का काम पूरा कर लिया है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार देश में दी गई खुराकों की संख्या 2,22,28,675 तक पहुंच गई है।
वहीं दोपहर 1:30 बजे तक ही देश में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगा दी गई थी। किसानों के खाते में 4,000 रुपए आ सकती है अगली किस्त, मोदी सरकार दुगनी कर सकती है रकम। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि मोदी सरकार नए साल से पहले देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को बहुत बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि दुगनी करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 की जगह 12,000 रुपए 3 समान किस्तों में मिलेंगे। संभव है कि ये इजाफा अगली किस्त यानी कि दिसंबर मार्च में किसानों के खाते में 2,000 की जगह अब 4,000 रुपए आए। उत्तराखंड में 21 सितंबर से खुल जाएंगे प्राथमिक विद्यालय, कोरोना काल में पहली बार खुलने जा रहे पहली से लेकर पांचवी तक के स्कूल। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में 21 सितंबर से प्राथमिक विद्यालय खुल जाएंगे। कोरोना काल में प्रदेश में पहली बार कक्षा पहली से लेकर पांचवी तक के विद्यालय खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता के बाद इसका फैसला लिया है। केरल में नहीं सुधर रहे हालात, राज्य में केस बढ़े तो देश में 34,000 के पार पहुंचा नए मामलों का आंकड़ा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से केरल बाहर नहीं निकल पा रहा है। केरल के चलते पूरे देश में संक्रमितों का दैनिक आंकड़ा भी 30,000 के आसपास बना हुआ है। बीते 3-4 दिनों से 30,000 से कम नए केस मिल रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान इनकी संख्या 34,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से अकेले केरल के ही 22,000 से ज्यादा मामले हैं। आईफोन 13 का भारत में इंतजार खत्म, प्री ऑर्डर 17 सितंबर से हो गए शुरू। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि एप्पल के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 प्रो और प्रो के साथ ही आईफोन 13 प्रो मैक्स शुक्रवार से भारत में प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। एप्पल ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स साइट्स और ऑफलाइन चैनलों के जरिए आप इन डिवाइस के लिए प्री ऑर्डर कर सकते हैं। चीन के बाद अब रूस का तालिबान को सपोर्ट, पुतिन ने कही है ये बात। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही कई देश ऐसे हैं जो तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दे रहे हैं। वहीं कुछ देशों ने तालिबान के साथ बेहतर संबंधों की तरफ कदम भी बढ़ा दिया है। चीन और पाकिस्तान के बाद अब रूस भी तालिबान से सकारात्मक रिश्तों की पहल कर चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा कि रूस को तालिबान के साथ मिलकर काम करना होगा। पुतिन ने चीन और रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में ये बात कही। तालिबान ने 6ठी से लेकर 12वीं तक के लड़कों के लिए स्कूल खोलने के दिए आदेश, लड़कियों पर अभी कोई फैसला नहीं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि तालिबान राज में महिलाओं को अपनी सुरक्षा और अधिकारों की सबसे ज्यादा चिंता है। जिसने भी तालिबान का पिछला दौर देखा है उन्हें इस बात का एहसास है कि वे आतंकी संगठन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दबाना जानता है, उन्हें प्रताड़ित करना जानता है। अधिकार देना उसकी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है। अब तालिबान के हाल के लिए गए फैसले पे इसने मुहर भी लगा दी है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में आज से 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलने के आदेश तो दे दिए गए, परंतु ये सिर्फ लड़कों के लिए किया गया है, लड़कियों पर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।